told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बनाने वाले हैं खट्टा ढोकला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं खट्टा ढोकला। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूजी ले लेंगे कटोरी में। ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए रखे हैं। तो आधी कटोरी मैंने सूजी लिया है, और उसके बाद हम ये तड़के के लिए तिल, हरी मिर्च और ये अपना कड़ी पत्ता और इनो फ्रूट सॉल्ट और एक दो कलियाँ हरी मिर्च के लिए है, और उसमें क्या ना अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया, और साइड में मैंने रखा हुआ है दही, जो एक कटोरी यूज कर रहा हूँ। तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं आपको खट्टा ढोकला कैसे बनता है, और इजी तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। तो एक बाउल ले लिया है हमने। तो बाउल में क्या करेंगे, हम सूजी को जो हमने लिया है बारीक वाली सूजी को ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दही मिक्स करेंगे। दही हम खट्टा वाला यूज़ कर रहे हैं, उसका टेस्ट, अगर सादा दही है तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू या उस नींबू का फूल भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं खट्टा, मेरे पास जो दही पड़ा था खट्टा वाला, यूज कर रहा हूँ। और उसके अंदर हम डालेंगे अदरक और जो मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड करके उसको मिला लेंगे। अच्छे से हम उसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो भी है एकदम थोड़ा सा, ना तो ज़्यादा पतला रहे और ना ही ज़्यादा मोटा। हम जैसे अपना इडली तैयार करते हैं वैसे ही हमें बनाना है, इडली के बैटर कैसे तैयार करके रखते हैं सेम वैसे ही हमारा ये ढोकला भी वैसे ही होना चाहिए। थोड़ा सा हमारा हार्ड वो है, तो उसमें बाद में लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मिला लेंगे। ये हमारा मिक्स करके रेडी हो गया है। 5 मिनट के लिए हम इसको साइड में रख के, सूजी हमारा तब तक फूल जाएगा, साइड में रख देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सूजी फूल जाए। उसके बाद चलिए स्टार्ट देख लेते हैं, तब तक उसका स्टैंड तैयार कर लेते हैं जिसमें हम उसको ढोकले को पकाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया, एक कढ़ाई लिया है, उसमें ये हमने ये जाली, ये स्टैंड यूज कर रहा हूँ आप इसमें स्टैंड के बाद, उसमें हमने पानी भी डाल लिया है, और ये कटोरा लिया है मैंने। इसमें हम क्या करेंगे, चारों साइड से तेल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा जो ढोकला है वो चिपके नहीं। तो ये हमने इसमें ग्रीस कर लिया है, और गैस को हमने ऑन कर दिया है। नमक स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें धनिया पत्ता यूज करेंगे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। तो ये हमने कट करके इसमें 1 चम्मच यूज कर रहे हैं, तो ये हमने पूरा ऐड डाल दिया है। स्पंजी बनाने के लिए हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा झाग होने के लिए। उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो बबल्स है वो सब निकल जाएगा, टूट जाएगा, तो हमारा स्पंजी ढोकला नहीं बनेगा। इसके लिए हम थोड़ी सा इसका हल्का सा घुमा के मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद रख देंगे। और हमारा जो हमने जो गैस ऑन करके रखा था पानी गर्म होने के लिए ढोकले के लिए, वो हमारा रेडी हो गया है। तो हम उसमें चलिए उसको डिप कर डाल देते हैं अपना ढोकला बैटर। ये हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। हाँ, ये हमारा पानी गर्म हो गया है, थोड़ा सा गुनगुना सा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, उसमें जिस कटोरी पे हमने ऑयल लगाया था उसी कटोरी में हम ढोकले का बैटर डालेंगे। इसे ग्रीस कर लिया है ऑयल को, अब हमारा पानी भी गर्म हो गया है, थोड़ा गुनगुना पानी हो गया है।
अभी हम इसको रख के इसमें हमारा जो बैटर है इडली, ये हमने डाल दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे नहीं, हल्का मीडियम फ्लेम पे हमारा जो ऑयल है उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा पानी उबल रहा है, इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। बीच बीच में आप इसको चेक भी कर लेना, बीच में एक बार आप चेक कर लेना आप चक्कू की सहायता से डिप करके, अगर आपका चक्कू एकदम क्लियर निकलता है तो समझो कि आपका ढोकला पक गया है, नहीं तो अभी थोड़ा कच्चा है। तो मैं अभी हमारा ये हो चुका है, तो मैं इसमें चक्कू को थोड़ा अंदर डिप करके चेक कर रहा हूँ। और ये देखिए ये हमारा ढोकला पका है नहीं, ये हमारा देखिए ढोकला लगभग सारा एकदम पक गया है। फिर भी हम 2 मिनट के लिए और उसको ढक के पकाएंगे, उसके बाद हम फिर से उसको चेक कर लेंगे। ये 2 मिनट हो चुका है, वापस चेक कर लेते हैं। ये हमारा ढोकला एकदम अच्छे से पक के रेडी हो गया है। पानी भी देखिए एकदम एंड तक आ चुका है, हमारा जो पानी डाला था ढोकले पकने के लिए भाप से। ये देखिए ये हमारा अच्छे से ढोकला पक के तैयार हो गया। अभी हम इसको गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद चलिए इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। फिर चलिए तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, ये हमने कटोरी में तेल रख ले लिया है, तेल को हम गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों के बारीक दाने। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और सफ़ेद तिल। तो ये देखिए हमारा तड़का बन के तैयार हो गया है और रेडी हो गया है। ये हमने कर दिया है, अभी हमारा तड़का रेडी हो गया। चलिए हम तब तक हमारा ढोकला भी ठंडा हो गया होगा, हम उसमें ऊपर से तड़के का लगा देते हैं। ये देखिए हमारा तड़का एकदम ठंडा हो गया है, ढोकला एकदम ठंडा हो गया है। तो अभी देखिए ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा चम्मच की सहायता से हम इस पर डाल देंगे और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, पशुपंछी भी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में भी। अभी हम इसको चलिए कटिंग कर लेते हैं चारों साइड से। हम क्या करेंगे एजेस से ये चारों साइड से चक्कू की सहायता से हम इसको साइड से कट कर देंगे। उसके बाद साइड बीच में से हम ये कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा ढोकला कितना अच्छा लग रहा है और स्पंज भी है, देखने में बहुत ही अच्छा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़